में से निवृत्त हो सकता है या नहीं आ साधक कैसे हो सकता है कर्म हाँ निवृत्त हो सकती निवृत्ति हो सकती नहीं तो कैसे हो सकती क्रिया से सूक्ष्म क्रिया से कैसे निकल सकते हैं कर्म से निवृत्ति कैसे हो सकते हमारा जो पूर्व जन्म का है वो आज वो जो कर्म है हमारा वो क्रिया से और अभी ठीक क्रिया से धीरे धीरे वायवीय संहिताएं वायवीय संहिताएं उसमें पार्वती जो माँ तो करुणामयी होती है ना तो सारे संसार को दुखी देख कर भगवान से पूछते हैं ये पूछती है कि भगवान ये सारा संसार दुखी है मेरे पास आते हैं तो उसके लिए कुछ उपाय बताओ निवृत्ति के लिए दुख से निवृत्ति तो दुख क्या क्या है दुख कौन सा है हमारे जीवन में जो दुख आता है सुख दुख तो आता है ठीक है लेकिन त्रिताप आता है त्रिताप से हम संतप रहते हैं हरेक बींग हरेक आदमी त्रिताप कोई आदि व्याधि उपाधि व्याधि शरीर में रोग आ जाता है आदि और उपाधि आ जाती है और आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख हमारे कुछ अभाव मिलता है कमाई नहीं होती है हमारा पूरा नहीं होता लक्ष्मी हमारे पास नहीं आती है काम नहीं मिलता आदि आदि देवी देवों के जो हम कोई किया होगा नहीं कर्म देवों के साथ छंक बना दी वो भैया आ जाता है इसीलिए सब सुख दुख समा जाता है आदि देवी फिर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आदमी इधर उधर 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 घूमते हैं मंदिरों में जाते हैं साधु संतों के पास जाते लेकिन शांति नहीं मिलती आध्यात्मिक दुख है अपने बच्चों से जो तकलीफ क्लेश होती है अपने बच्चों के जो क्लेश होता है ना उसी का क्लेश मानसिक क्लेश माँ बाप को होता है उसी को भी आध्यात्मिक क्लेश त्रिविध ताप से ये सब बेचारे जीव संतप्त दो ये महादेव को उपाय बताओ ये महा कई टेक्निक बताई महादेव ने उसी में एक महायोग टेक्निक है महायोग की टेक्निक में शक्ति बात परंपरा की महायोग देव से शुरू तो जब संनिष्ठ गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु श्रोत्रिय गुरु यानी साक्षात भगवान उसी से हम अनुग्रहित होते हैं यानी लाभान्वित होते हैं तो हमारी शक्ति जाग जाती तो समय क्रिया शुरू होती है उसको हम कहते हैं योग यौगिक क्रिया मेरी दो दिन सब करते हैं ना मठयोग की क्रिया है ये तो महायोग की क्रिया होती है अपने आप स्वयं होती है गुरु कृपा से होती है महादेव की कृपा से होती है जब इच्छा लेते ही क्या होता है अनुभव में ये शरीर से शक्ति अलग है फर्स्ट अनुभव होता है ये जैसे जैसे हम साधन करेंगे और शक्ति शरीर से अलग है और शक्ति से दुख नहीं भोगती कौन भोगता है हमारा शरीर भोगता है तो भोगता है शरीर तो पहला ज्ञान यही इसलिए वायव्य संहिता में अध्याय अध्याय में एक श्लोक आता है फर्स्ट श्लोक है कि अध्यात्म विद्या ही नृणानाम साधका नाम नृणानाम अध्यात्म विद्या ही नृणानाम सौख्य मोक्ष करीब हो अध्यात्म विद्या मात्र एक यही विद्या है कि वो मित्र बन के और मोक्ष बन के साधक के पास आती है मोक्ष दिलाने इससे ही मोक्ष अध्यात्म विद्या प्राप्त होते ही क्या होता है दूसरा चरण है श्लोक का धर्म कर्म जप एतत् सर्वं निवर्तते आनंद आने लगा शक्ति को साधन भजन में तो अपने आप धर्म कर्म सब छूट जाते हैं जप भी छूट जाते हैं बोलते हैं कभी कभी माना था तो माना गिर जाती है स्थिर हो जाता है तो आगे सूर्य गीता में भगवान पार्वती जी को यही बताते हैं कि भी ये सबसे फर्स्ट ज्ञान हुआ कि मैं अमर हूँ शरीर से शक्ति चुकी है अलग है ये जो ज्ञान है ना फर्स्ट ज्ञान यही होता है आत्मज्ञान तो अभी दूर की बात है ज
जैसे जैसे आनंद आने लगेगा इसमें वो साधन में, तो हमारा काम्य कर्म, काम्य कर्म यानी कि इच्छा होती है नहीं, बंगला बना ले, गाड़ी ले ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, हम प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ये सब काम्य कर्म में आता है। बच्चों को अच्छी नौकरी दिला दी, सब काम्य कर्म। तो ये काम्य कर्म अपने आप धीरे धीरे अंदर आनंद जो आने लगेगा तो अपने आप जड़ जाएगा, खिर जाएगा, उसको इच्छा ही नहीं होगी, चलो एक नई आगा करके कोई काम ना हमें तुरंत कर ले, निकल जाता। जैसे जैसे साधना बलवत्तर होती जाती है, चीटिंग में बैठते रहते हैं, तो निमित्त कर्म से भी मन उठ जाएगा, क्योंकि विषय वासना धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो धंधा करने वाला है वो जो ध्यान करेगा गुरुकृपा हो गई, धीरे धीरे मन में से वो धंधा में ज़्यादा नफा ले ले, ऐसा मन से निकल जाएगा, छूट जाएगा। निमित्त कर्म मतलब वही बता रहे, निमित्त कोई निमित्त से हमें कर्म करना पड़ता है, उसको निमित्त कर्म। जैसे आप माँ बनी है ने, क्या करना पड़ेगा बच्चों को, माँ के निमित्त के तौर पर तुम्हें बच्चों को ही संभालना पड़ता है, नाश्ता करना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, तो वैसे सर्विस करते हैं। कोई ऑफिसर बन गया, कोई पियून है, तो नौकरी के वजह से जो कर्म उनके सामने आते हैं वही निमित्त कर्म। कोई ऑफिसर है तो उसको ये ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी तकलीफ हो लेकिन ड्यूटी करना ही पड़ता, निमित्त कर्म कर पकड़। धीरे धीरे साधक को ऐसा लगता है, साधना जब जब पक्की होती जाती है ना, तो निमित्त कर्म से भी मन अलग हो जाता है, शुद्धिकरण कर्म होता है। और आगे आगे जैसे जैसे साधक साधना में बहुत पक्का बनता जाता है, तो नित्य कर्म भी छूट जाता है। नित्य कर्म छूट जाना, नित्य कर्म क्या है, खाना पीना धोना, वो धीरे धीरे चलो दो दिन हुआ नाया नहीं कभी नंद नहीं आएगी, आनंद रहेगा, एकदम विशुद्धि होती जाती है ना, इसीलिए नित्य कर्म भी धीरे धीरे छूटने लगता है। सूक्ष्म आहार हो जाता है, नींद सूक्ष्म हो जाती है, नींद लेना हमारा नित्य कर्म है, बिना नींद तो हमारा शरीर बिगड़ जाएगा ना, तंदुरुस्ती बिगड़ जाती है, तो वो भी छूटने लगता है। चौथा चरण में जब आदमी पहुँचता है, ज्ञान हो जाता है, प्रायश्चित कर्म भी छूट जाता है, विधि निषेध भी छूट जाता है, इतना भीतर से आनंद हो जाता है कि सहजावस्था धीरे धीरे बनने लगती है, स्वाभाविक अवस्था बनने लगती है। तो कोई प्रायश्चित कर्म करने की इच्छा भी नहीं होती है, भी जो भोगना है भोगना है, सुख दुख हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए, नरसिंह मेहता ने भी यही कहा ने, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो विधि निषेध भी निकल जाता है। आपने बताया ना, क्या बताया कि भैया चैत्र महीना है तो हमें ये गायत्री नमन करना है, माँ करे या नंबर, विधि निषेध की बात है। मैंने कहा भाई तुम साधन भजन करते हो, गुरु कहते हैं कि भी कर दो इस तारीख को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी में वो अपराध भाव नहीं आएगा, क्योंकि हमें मालूम अब हुआ है कि हमारा चित्त विशुद्धि प्राप्त कर रहा है और हमें आनंद मिल रहा है और एक विवेक जगने लगता है कि भाई एक दिन तो ये शरीर छोड़ के जाना है, जो सुख दुख भोगता है वो शरीर भोगता है, तो साधन में क्यों आगे न बढ़े, आगे क्यों बढ़ना है कि आत्मसिद्धि प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो सब कर्म धीरे धीरे छूटने लगता है। और गुरु कृपा से भगवत की वो करते हैं कि मेरी कृपा से वो आदमी साधन करते करते साधन इतना मेरे जैसा विशुद्ध हो जाएगा, मेरा जैसा विशुद्ध हो जाएगा तो मैं जैसे बैठा रहता हूँ साधन में वैसे वो फिट रहता है, तो विशुद्ध जो हो जाता है तो आत्मज्ञान हो जाता है, तुरियावस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर उसी के लिए कोई भी कर्म, नित्य कर्म हो, निमित्त कर्म हो, काम्य कर्म हो, प्रायश्चित कर्म हो, कोई भी कर्म वो भी छूट जाएगा। जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं ना प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, उसके पीछे ये बाधा होता है, वो भी छूट जाएगा। दुनिया में अच्छा करना चाहे अच्छा करना चाहे ये सब निकल जाएगा, क्योंकि उसी की बुद्धि में ऐसा विवेक आ जाता है, उनको जो ज्ञान हुआ है ना वो ज्ञान उनकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उनकी बुद्धि कभी खराब नहीं होती, कोई कर्म के पीछे नहीं होती, जो होना है वो होने वाला है, वो नियति है, उसी को भोगते हंसते हंसते भोगते साधन करते करते आखिरी कर्म जो रहता है प्रारब्ध कर्मगत जन वो भोगना, ज्ञान होते ही शरीर छूट जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं छूटता नहीं है, क्यों नहीं छूटता है, गत जन्म के प्रारंभ
वैसे ही घूमना पड़ता है। बाकी सब क्रियाओं में संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं। गुरु भगवान।